कैदी की इलाज के दौरान मौत के विरोध में करीब 3 घंटे सरायगढ़ में रहा NH-57 जाम। जाम को हटाने के लिए पुलिस ने चटकाए लाठी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका GBN 24 न्यूज पर। अररिया जेल में बंद विचाराधीन कैदी की पूर्णिया में इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने सुपौल जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र के सरायगढ़ में NH-57 को जाम कर देर रात तक प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे तक रही सड़क जाम के कारण NH-57 पर आवाजाही प्रभावित रही। पुलिस प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद भी जब जामकर्ता नहीं माने तब पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। उसके बाद NH-57 पर जाम हटाकर आवाजाही शुरू की गई। दरअसल सुपौल जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र स्थित गंगापुर निवासी विवेक कुमार उर्फ लाल यादव हत्या के एक मामले में अररिया जेल में बंद थे, जिसे कल सुपौल कोर्ट में पेशी के लिए सुपौल लाया गया था। पेशी के बाद विचाराधीन कैदी विवेक उर्फ लाल यादव को पुनः अररिया जेल भेज दिया गया। जानकारी मिली है कि अररिया पहुंचने के बाद विवेक उर्फ लाल यादव की तबीयत खराब हो, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पूर्णिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान विचाराधीन कैदी विवेक उर्फ लाल यादव की मौत हो गई। जिसके बाद देर शाम मृतक का शव उसके पैतृक गाँव सुपौल जिले के भपटियाही के गंगापुर गाँव लाया गया, जहाँ शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आक्रोशित लोगों ने शव को सरायगढ़ में NH-57 पर रख कर सड़क को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप था कि साजिश के तहत विवेक उर्फ लाल यादव की मौत हुई है। आक्रोशित लोगों ने इसकी CBI जांच की मांग करने लगे। स्थानीय प्रशासन द्वारा जामकर्ता को लाख समझाया गया लेकिन नहीं माने, जिसके बाद मौके पर SDPO और SDM दलबल के साथ पहुंचे और सड़क जाम करने वाले लोगों को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन जामकर्ताओं ने किसी की नहीं सुनी। इधर करीब 3 घंटे से NH-57 जाम होने के कारण सड़क पर कई किलोमीटर तक गाड़ियां की लंबी लाइन लग गई। लोग घंटे जाम में फंसे रहे, जिसके बाद पुलिस ने जामकर्ताओं की भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। जानकारी मिली है कि इस दौरान पुलिस ने आंशु गैस भी छोड़ी, जिसके बाद जामकर्ताओं को जाम स्थल से खदेड़ कर रात तकरीबन 9:30-10 बजे जाम को हटा दिया गया और NH-57 पर वाहनों का परिचालन शुरू करवाया गया। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कुछ नहीं अभी कहा गया, कुछ नहीं अभी कुछ नहीं कहा गया है। 3:30 घंटा हो गया है, कोई कुछ एक्शन नहीं लिया है। कोई आया है, कोई आया है, गाड़ी आया है बगले में, बगले में बताया अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। सबका क्या इसमें किसका हाथ हो सकता है, कुछ जांच हो, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम लोगों की तरफ से लगता है साजिश ना था, साजिश के तहत इसका हत्या किया गया है। साजिश ना होता तभी तक जवाब दे देते द्वारा बताया गया था कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत अच्छा था कल, अच्छा था, बिल्कुल कोर्ट में सब फैसला है, बात किया है, वीडियो भी हम लोग के पास है। शाम को यहाँ से निकला तब तक बहुत अच्छा था, उसका वीडियो भी है। जो बात किया कितना खुश है, स्वस्थ व्यक्ति था, स्वस्थ था, आप लोग ने देखा था वीडियो में था। जेल ले पहुंचा और अचानक से घटना हुआ है, अचानक आप लोगों को पता कब से 2 बजे रात को पता चला हम लोगों को 2 बजे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।